रूस और यूक्रेन के बीच में जंग जारी है। यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंचा है रूस। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर हमला किया। रूस ने 200 से ज्यादा हमले किए हैं। पूरे यूक्रेन में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। लाखों लोग सबवे के शेल्टर में छिपे हुए हैं। मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड शेल्टर में छिपे हुए हैं लोग। रूस ने यूक्रेन के आईलैंड पर भी कब्जा कर लिया। अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए। कई आर्थिक गतिविधियां जिन पर रोक लगा दी गई है। स्पेस प्रोग्राम को कमजोर करने की कोशिश की जा रही। तो रूस ने 200 से ज्यादा हमले किए हैं। जी हां, आपको जानकारी दें कि पुतिन ने ये पहले ही जाहिर कर दिया था कि हमले होते रहेंगे, रुकने वाले नहीं है। खासतौर पर आपको जानकारी दें कि नोटा को लेकर ये विरोध, ये जो हमले हैं वो हो रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी इस बात पर जोर दिया है कि हम झुकने वाले नहीं हैं। देश के नागरिक जो चाहते हैं कि जो देश की सुरक्षा करें उनके हाथों में हम हथियार देंगे। लेकिन इस बीच में आपको यह भी जानकारी दें कि स्थिति जो है वो बेहद गंभीर बताई जा रही है। हिंदुस्तान के कि ऐसे छात्र हैं जो वहां पर फंसे हुए, जिन्हें बंकरों में सुरक्षित रखा गया है। अभी तक जो तस्वीरें सामने आई उसके हिसाब से अगर हम बताएं तो कई जगहों पर जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्हें तैनात किया गया है। कई एयरबेस है जिन्हें तबाह कर दिया गया है रूस द्वारा। लगातार अगर हम बात करें तो बीते 24 घंटे से वहां पर गोलीबारी जारी है। मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड शेल्टर में जो लोग हैं, जो यूक्रेन के लोग हैं, वो छिपे हुए हैं। रूस के ने यूक्रेन के आईलैंड पर भी कब्जा कर लिया है। हालांकि अगर हम बात करें तो सुबह ये खबरें सामने आई जहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ये जिक्र किया कि हम लगभग 40 से 45 घंटे तक जो है हम रूस के सैनिकों को रोक सकते हैं। लेकिन अभी भी कई जगहों पर अगर हम देखें तो कीव में कुछ ऐसे जगह हैं जो कि यूक्रेन की राजधानी है, वहां पर रूस के जो सैनिक है वो पहुंच चुके। तमाम दावे तो किए जा रहे हैं। यूक्रेन के अगर हम बात करें तो यूक्रेन के राजदूत ने भी इस बात पर जोर दिया था कि पीएम नरेंद्र मोदी को बात करनी चाहिए, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी एक प्रभावशाली नेता है और पुतिन से पीएम नरेंद्र मोदी ने कल बात भी की थी। इसी बीच में एक और ये तमाम अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं कि हजारों भारतीय छात्र जो है वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी, कुछ बच्चे जो हैं वो दूसरे रास्ते से वापस अपने हिंदुस्तान, अपने सरजमी पर पहुंचे हैं। लेकिन इसके अलावा और भी ऐसे बड़े छात्र हैं जो वहां पर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे, जो अभी सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में है, वो वहां पर फंसे हुए, जो अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे वो वहां पर फंसे हुए हैं। अब वो मांग कर रहे हैं कि हमें वापस बुलाया जाए, इंडियन एम्बेसी से कॉन्टैक्ट की जाए और वहां पर कॉन्टैक्ट करके तमाम अपडेट्स जो है वो लिए जाए। हालांकि अगर हम बात करें तो भारतीय दूतावास ने कई नंबर, हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किए हैं। अलग अलग राज्यों के बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए गए थे। आपको जानकारी थी कि यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में होती है और इसी की वजह से जो बच्चे हैं वो वहां पर पहुंचे थे, जो पढ़ाई करने के लिए वहां पर गए थे। लेकिन अब उनके पेरेंट्स जो अभिभावक हैं वो काफी ज्यादा परेशान है। वो भी लगातार उम्मीदें यही लगा रहे हैं सरकार से कि बच्चों को किसी भी तरह से सुरक्षित वापस लाया जाए। हालांकि विपक्ष भी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा मामला प्रकाश में आया उसके बाद ये उम्मीद यूक्रेन कर रहा था कि जो और देश हैं, जो पूर्वी देश हैं, वो कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करेंगे, रूस को समझाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो कोई भी विदेश से कोई भी तमाम बयान जो है वो सामने नहीं आ रहे हैं। हालांकि इसी बीच में आपको जानकारी दे कि जो बाइडेन ने इस बात पर जोर दिया कि हम अपने सैनिकों को वहां पर तैनात नहीं करेंगे। हालांकि नोटा के वो सदस्य हैं लेकिन उसके बावजूद भी ये तमाम बयान दिए जा रहे हैं। इसी बीच में हम आपको ये पांच जो तस्वीर है वो भी दिखा रहे हैं। हनुमानगढ़ की तस्वीरें आपके सामने हैं, सरदार शहर की तस्वीरें आपके सामने है, भिलवाड़ा की तस्वीरें जो है वो आपके सामने है, डूंगरपुर की तस्वीरें आपके सामने है, दौसा में किस तरीके से अभिभावक परेशान है, पेरेंट्स परेशान है। ये वो तस्वीरें हैं उन परिवारजनों की तस्वीरें हैं जिनके छात्र यूक्रेन में पहुंचे हुए पढ़ने के लिए। फिलहाल वहां पर वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कुछ बच्चे जो वहां से वापस आए हैं हिंदुस्तान, जो राजस्थान आए हैं, उनकी तरफ से भी इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि शुरुआत में स्थिति ठीक थी लेकिन अचानक से अगर हम कहें तो रूस ने हमला करना शुरू किया और हालात खराब हुए, चिंताजनक स्थिति है। लेकिन फिलहाल अभी उम्मीद यही लगाई जा रही है, तमाम पेरेंट्स से ये उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार काम करेगी और विदेश मंत्रालय काम करेगा, इंडियन एम्बेसी से लगातार जो बच्चे हैं वो कॉन्टेक्ट में हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी कर दी गई है। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन में जो बच्चे फंसे हुए हैं उनके पास खाने पीने की भी समस्या है। कल हमने आपको दिखाया था किस तरीके से बच्चे जो हैं वो पानी की लंबी लाइनों में लगे हुए थे क्योंकि उनके पास पर्याप्त पानी नहीं था पीने के लिए। ऐसे खाने पीने की जो व्यवस्था है वो बेहद वहां पर
कम जो है वो दिखाई दे रही है, लेकिन अब पूरे विश्व की नजरें, पूरे विश्व की निगाहें इस युद्ध पर टिकी हुई है। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आखिर कैसे पूरा मामला शांत होगा और ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जो है कहीं ना कहीं ये आगे न बढ़े, इसीलिए लगातार पूरी कोशिश ये है कि इसे रोका जाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी अगर हम बात करें तो 1939 से लेकर 1945 तक जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद ही कहीं ना कहीं रूस और यूक्रेन के बीच में वो जो नोकझोंक है वो देखने को मिली। बड़ी बात यह है जिस तरीके से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो ये खबरें भी सामने आई कि रूस जो है वो कहीं ना कहीं नोटा से छुड़ता है और इसीलिए ये जो हमला है वो किया गया है। और हमारे साथ वो छात्र जुड़ रहे हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं, वो छात्र हैं जो वहां से लौट गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। कनिका स्वामी जो कि यूक्रेन से लौटी छात्रा है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोफी सोनी जो कि यूक्रेन में छात्र जो है वो फंसे हुए हैं, और अमरजीत सोनी जो कि जोफी सोनी के पिता है, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जोफी सोनी आप जो है वापस आ चुकी है, माफ कीजिएगा, आप वहां पर फंसे हुए हैं। फिलहाल अगर हम देखें तो वहां पर क्या परिस्थिति बनी हुई है? यहाँ पे सिचुएशन तो ऐसी है, अभी अगर सिटीज में देखा जाए, सिटीज में काफी मतलब क्रिटिकल सिचुएशन है, काफी वॉर वाला सीन चल रहा है वहाँ पे। बट ये एम्बेसी साइड में हम लोग सब लोग, ये मेरे यहाँ पे और भी कम से कम यहाँ पे 200-300 लोग और हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखा जाए मोस्ट प्रोबेबली दूसरे लोगों से काफी सेफ है, क्योंकि बाहर लोग बंकर्स में, कोई मेट्रो स्टेशन पे लोग हाइड कर रहे हैं, मतलब अपने आप को सेफ शेल्टर देने के लिए। तो उससे तो ज्यादा बेटर ये है भी हम लोग यहाँ पे एम्बेसी के अंदर हैं, एम्बेसी के साथ है, कोई भी डिसीजन होता है तो हम उनके साथ रहेंगे, कोई भी डिसीजन होगा तो हम फर्स्ट मतलब एक्शन में आने के लिए हम सबसे उनकी प्रायोरिटी होंगे। बिल्कुल जोफी, देखिए घबराने की जरूरत नहीं, और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप सुरक्षित रहें, और इंडियन एम्बेसी जो है वो लगातार पूरा सहयोग कर रही है। हमारे साथ कनिका जुड़ी हुई है जो कि यूक्रेन से वापस लौट आई है अपनी सरजमी पर। अगर हम बात करें कनिका, तो जब आप वापस आई यहाँ पर, तो वहां पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई थी, क्या रहा प्रोसेस, किसने आपसे कॉन्टेक्ट किया, आपने किससे संपर्क साधने की कोशिश की? हाँ जी नमस्ते। तो हम लोग यहाँ पे आए थे, जब तक तो सब कुछ नॉर्मल था और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, लग रहा नहीं था कि वॉर होगा, सब लोग ऐसे कर रहे थे कि नॉर्मल है सब कुछ, और बॉर्डर वगैरह पे थोड़ा बहुत सीन है, और बाकी यहाँ पे सब कुछ लाइफ स्टाइल नॉर्मल थी। और हम आए तो खुद ही थे क्योंकि फ्लाइट बुक करा रहे थे, सुना था, तो घर वाले भी बहुत ज्यादा टेंशन में थे, तो फिर हमने उनसे बात करके और फ्लाइट बुक कराई एजेंट्स के थ्रू, तो वो भी बहुत मुश्किल से मिल रही थी क्योंकि सब लोग फ्लाइट बुक करा के बहुत जल्दी जा रहे थे और फ्लाइट की भी प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गई थी। ठीक है, बिल्कुल। देखिए अब लगातार अगर हम बात करें तो इंडियन एम्बेसी जो है वो भी लगातार पूरी कोशिश कर रही है कि हम संपर्क में रहें, जो छात्र हिंदुस्तान से वहां पर गए पढ़ने के लिए। हमारे साथ अमरजीत सोनी जी जुड़े हुए हैं जो कि जोफी सोनी के पिता हैं। अमरजीत जी, आप लगातार संपर्क में हैं अपने बेटे के साथ, और अगर हम बात करें तो इंडियन एम्बेसी से क्या आप संपर्क में है, क्या कहा जा रहा है? जी नमस्कार जी, मेरा बेटा सेफ है इंडियन एम्बेसी में, वहाँ पे उनको शेल्टर भी दिया गया है और खाना भी प्रोवाइड कर रहे हैं, पानी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो की में सेंटर में है अपने इंडियन एम्बेसी, वो बहुत मदद कर रही है मेरे बच्चे की, सब बच्चों की, 250-300 बच्चा है वहाँ पे। मेरा बच्चा वहाँ पे, मैं डैडी यहाँ पे ठीक हूँ, सेफ। हाँ जी, और मैं इंडिया गवर्नमेंट से ये अपील करूंगा कि जल्द से जल्द मेरे बच्चे को वापिस, सारे बच्चों को जो भी है भारतीय छात्र सबको वापिस अपने देश में बिल्कुल। देखिए आपकी परेशानी, आपकी चिंता हम समझ सकते हैं अमरजीत जी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बेटे जो यहाँ पर फंसे हैं, लेकिन हम भी लगातार यही उम्मीद लगा रहे हैं कि सरकार जो है वो आम जनता की समस्याओं को सुने, जो बच्चे यहाँ पर फंसे हुए हैं उन्हें दूसरे रास्ते से वापस हिंदुस्तान बुलाया जाए। हालांकि सोफी आपके पास आना चाहेंगे, जोफी माफ कीजिएगा, फिलहाल अगर हम बात करें तो शिकायतें ये सामने आ रही थी वहां पर खाने पीने की दिक्कत हो रही है, क्योंकि सारे दुकान जो है, सारे शॉप जो है वो बंद कर दिए गए हैं, हमले इतने दिख हो रहे हैं, तो क्या आपके पास पर्याप्त मात्रा में खाने पीने की व्यवस्था है? खाने पीने की व्यवस्था देखी जाए यहाँ पे ना, जैसे वॉर सिचुएशन है तो यहाँ पे सब बंद हो चुका है ऑलमोस्ट, तो सब लोग अपनी फैमिलीज की तरफ भाग रहे हैं, तो फिर भी अगर ये खाने को प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है इनके लिए, मतलब अभी हमको खाना मिल रहा है, एक टाइम का, दो टाइम का मिल जाता है, तो हम लोगों को खाना मिल रहा है। ये जैसे जो हमारे इंडियन रेस्टोरेंट है जहाँ से हमारे लिए खाना आएगा, तो वो एकदम सिटी के सेंटर में है, जहाँ पे अभी देखा जाए सिटी के सेंटर में टैंक्स वगैरह, फायरिंग वगैरह चल रहा है, तो ये सब चीज में सिचुएशन में वहां से खाना लाना ये सब चीजें बहुत रिस्की है, बट फिर भी हमारे लिए अगर आ रहा है, प्रोवाइड कर रहे हैं,
इट्स वेल एंड गुड, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमको खाना तो मिल रहा है। बिल्कुल जोफी, जोफी क्या क्या आप वहाँ पर क्या दिखा सकते हैं कि आखिर वहाँ पर कितने लोग हैं, क्या व्यवस्था है वहाँ पर, और कहीं ना कहीं जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जो बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं, अगर उनके माता पिता देख रहे हैं हमें, तो हम भी उनसे यही अपील कर रहे हैं कि स्थिति गंभीर है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिचुएशन यहाँ पे अभी ऐसी है, अभी हमको एक स्कूल प्रोवाइड करा गया है, एम्बेसी के जस्ट साइड में है, स्कूल के अंदर हमको शेल्टर दिया गया है, परमिशन लिया स्पेशल ताकि हमको थोड़े दिन यहाँ पे, जितने दिन मतलब जैसे हमको पहले 24 आवर्स के लिए सोचा था, तो अभी यहाँ पे स्कूल में है हम लोग कल से। ये हमारे यहाँ पे जैसे ये एंट्रेंस है, ये बैग्स वगैरह यहाँ पे सबके लगेज वगैरह नीचे रखवाए हैं, तो ये स्टार्टिंग गेट से लेके देख लीजिए कितने हैं, ऑलमोस्ट अराउंड यहाँ पे है 300-400 बच्चे। तो अभी फर्स्ट फ्लोर पे सब लोग स्टे कर रहे हैं, वहीं पे हमको खाना वाना और हमको एक हॉल वगैरह दे रखा है, एक हॉल और एक कॉरिडोर साइड, तो हम वहाँ पे हमको हम आ रहे हैं, यही हमारे लिए स्टे है हमारे लिए जब तक हमारे को यहाँ से। बिल्कुल जोफी, क्या इंडियन एम्बेसी के कोई अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं जो आपकी देखरेख कर रहे हो? आखिर किसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आपकी देखभाल करनी है, आपके लिए पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं वहाँ पर? हाँ जी, देखभाल के लिए यहाँ पे इनके स्कूल के खुद के गार्ड्स वगैरह ये यहाँ पे मौजूद है, और इंडियन एम्बेसी जस्ट साइड में, अगर हमको कुछ भी अपील करनी होती है तो इंडियन एम्बेसी ने हमारे यहाँ पे लीडर्स वगैरह बना रखे हैं, 7-8 लीडर्स, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उनको अपील करो, उनको बोलो जाके, वो लोग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करते हैं एम्बेसी में, और वो लोग जो भी प्रॉब्लम उनसे उनसे सॉल्व हो पाते वो करते हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए घबराइए मत, आप सरकार से लगातार संपर्क साधे रखिए, इंडियन एम्बेसी के साथ आप संपर्क लगातार बनाकर रखिए, उम्मीदें यही लगातार लगाई जा रही है कि आपको सुरक्षित अपने देश, अपनी सरजमी पर सरकार लेकर आएगी। आपकी माता हमारे साथ जुड़ी हुई है, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम, क्या उम्मीदें लगा रही हैं आप? ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी परेशानियों को हम समझ सकते हैं, लेकिन आज स्थिति ऐसी गंभीर है, लेकिन पूरी उम्मीद यही लगाई जा रही है कि सरकार कुछ ना कुछ करेगी और वो बच्चे जो वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें वापस हिंदुस्तान लाया जाएगा। उम्मीद है हमें कि हमारा बच्चा जल्दी ही वापस आएगा, भारत सरकार कुछ तो कर ही रही है, कुछ करेगी तो सही। क्या आपकी किसी से बात हुई है इस पूरे मामले को लेकर? हाँ जी, मेरे बेटे मेरे हस्बैंड की बात हुई है, पीएम दफ्तर में हुई है, उनके ब्रदर है छोटे, उससे बात की है, लगातार बात चल स्टूडेंट को कैसे वैसे हमें जल्दी आ जाएगा हमारा बेटा। बिल्कुल देखिए, हमें काफी ज्यादा स्ट्रांग रहने की जरूरत है, और जिस तरीके से स्थिति लगातार वहां पर गंभीर होती जा रही है, लोगों की सुरक्षा को लेकर भी कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे अगर हम बात करें यूक्रेन के राष्ट्रपति की या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, पुख्ता इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं। अमरजीत जी से भी हमारी बात हुई है, कनिका का रुख कर लेते। कनिका, जब आप वहां से आई, जैसा कि आपने बताया कि वहां पर स्थिति कैसी थी, लेकिन इसके अलावा आपके संपर्क में और कौन कौन से लोग हैं जो वहां पर मौजूद हैं, आपके कुछ क्लासमेट्स होंगे, क्या उनसे आप बातचीत कर पा रही हैं, उनका क्या कहना है? आ रहा है? हेलो जी, जी बोलिए। हाँ जी, जी, तो जो कि वहां पे फंसे हुए हैं अभी तक, उनमें से एक की तो 25 तो अब उनकी फ्लाइट तो कैंसिल हो गई है, लेकिन कनिका आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कनेक्शन एरर है, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं जोफी का। जोफी, खबर ये सामने आ रही है कि जो यूक्रेन की राजधानी है कीव, वहां तक जो सैनिक हैं रूस के वो पहुंच चुके हैं, आपके पास से यानी कि आप जहां पर मौजूद हैं वहां से कितना दूर है कीव एयरपोर्ट, क्या स्थिति वहां पर अभी लगातार बनी हुई है, सैनिक कहाँ तक पहुंच चुके हैं, क्या आपके पास कोई जानकारी है? कीव एयरपोर्ट तक तो कीव एयरपोर्ट पे हम लोग कल सुबह पहुंचे थे, वहाँ पे जैसे एयर स्पेस बंद हो गया था, तो उसके बाद हमको सिटी के अंदर लाया गया, तो हम उसके बाद यहाँ पे एम्बेसी आ गए, तो उसके बाद हम वैसे सही बताएं हम बाहर तो गए नहीं कहीं पे स्ट्रीट्स पे, हमको जो इन्फॉर्मेशन देते हैं एम्बेसी वाले ही देते हैं कि बाहर ऐसे कहते हैं, अभी सिटीज में आ गए, बट सिटीज में देखा जाए सिविलियंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, और ये जो अटैक होता है कुछ भी होता है ये सिर्फ मिलिट्री बेसिस पे या मिलिट्री सोल्जर्स वगैरह इन सब के लिए होता है,
और सिविलियंस पे कुछ नहीं होता। जहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है वहीं पे मिसाइल वगैरह ज्यादा गिराई जाती है, अगर देखी जाए जहाँ पे, तो वहाँ पे ये कोई सिविलियंस पे ऐसे कोई अटैक नहीं हो रहा। तो हम लोग यहाँ सेफ है इतना, पेरेंट्स लोग, मुझे पता है काफी लोग पैनिक कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स भी कर रहे हैं, तो पेरेंट्स लोग ज्यादा पैनिक ना करें। यहाँ पे सब लोग नॉर्मल कैजुअल बिहेव कर रहे हैं, यहाँ पे नॉर्मल है सब। बिल्कुल अमरजीत जी, देखिए आपके आपके बेटे जो हैं वो किस तरीके से हौसला बनाए हुए हैं, और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी ज्यादा परेशान नहीं होंगे, ज्यादा पैनिक नहीं होंगे। ठीक है जी, मैं पैनिक नहीं होगा, पर बच्चे के लिए होना पड़ता है, क्या करें, सरकार से अपील है जल्दी जल्दी बच्चों को लाया जाए। कल की फ्लाइट थी बच्चे की 24 तारीख की, वो एयरपोर्ट बंद हो गए, वो बेचारा वहां फंस गया। नहीं बिल्कुल, देखिए अगर लगातार अगर हम बात करें तो उम्मीदें यही लगाई जा रही हैं कि और कोई रास्ता जो है वो चुना जाए। खबर ये भी सामने आई कि पोलैंड के रास्ते से बच्चों को वापस बुलाया जाए, लेकिन जिस तरीके से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, स्थिति बेहद गंभीर है, लेकिन सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि बच्चों को वापस अपनी सरजमी पर, अपने हिंदुस्तान जो है लाया जाए। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी कुछ होगा वो देश के हित में होगा और बच्चों के हित में ही होगा। आगे बढ़ते हैं, यूक्रेन और रूस के युद्ध का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। कुछ छात्र तो यूक्रेन से लौट आए हैं पर कुछ अभी भी वहीं फंसे हुए हैं। और बहुत सुंदर लग रहा है, काफी रूस के काफी व्यक्तियों ने आक्रमण कर रखा उन्होंने, और इससे हमें बहुत घबराहट हो रही थी कि बच्ची क्या होगा। बच्ची को दो तीन बार उन्होंने कहा तू आ जा बेटा, मेरे पढ़े चली, मैं पढ़े खराब नहीं करना चाह रही हूँ पापा, मैं आ जाऊंगी बाद में। मैंने कहा तू जल्दी आ जा बेटा, मेरे को बहुत चिंता हो रही है, मेरी बच्ची मानी नहीं है। आखिर मैंने जीत करके उसको बोला तू आ जा फटाफट, जब जाके इसने रजिस्ट्रेशन कराया इसमें हवाई जहाज में। मैं रहती हूँ वो एकदम सेफ जोन है, बिकॉज वो एकदम वेस्ट कॉर्नर पर आता है, और जो प्रॉब्लम है वो मेनली ईस्ट बॉर्डर पर चल रही है खारकीव के पास में। और जहाँ पे मैं आती हूँ वहाँ हमारे सर हमें टाइमली मतलब अपडेट्स देते रहते हैं, और वो यही कहते हैं कि सेफ जोन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी जहाँ तक मैं थी तब वहाँ पर अभी तक कुछ भी मतलब नहीं हुआ था, एकदम नॉर्मल था। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो आज ही निकले हैं कीव से, आज वो प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन अभी लाइक मेरी फ्रेंड को भी नहीं पता लाइक कि वो वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ भी है ऐसा। और कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो चैरनोवत्सी में ही रुके हुए हैं, वो भी सेफ जोन पे हैं लाइक ऐसा, लेकिन वो लोग भी निकलने का ट्राई कर रहे हैं कि अब निकल जाएं फॉर द सेफ्टी। हमने इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जो राजस्थान सरकार ने जारी किया है उस पे मैंने फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि आपको एक ईमेल आईडी भेजी जा रही है जिस पे आप मेल कर दीजिए और अपनी जो समस्या है वो उस पे लिख करके डालिए। ये हमें बताया गया, हम लोग बहुत चिंतित हैं, घर वाले सभी चिंतित हैं, उसके माता पिता और यहाँ पे हम लोग सारे चिंतित हैं, क्योंकि कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इंडिया गवर्नमेंट जो है उस पे हम लोग भरोसा तो कर रहे हैं कि भारत सरकार जरूर कुछ ना कुछ शीघ्र करेगी, लेकिन अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, कन्फ्यूजन में है सारे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बड़ा डर का माहौल है। हेलो गुड मॉर्निंग, मैं आशिता सोनी, मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान में मैं भीलवाड़ा से हूँ, यहाँ पे मैं टर्नोपल मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS कर रही हूँ। रोज हमें बोला जाता है कि यहाँ पर सिचुएशन पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को, आप लोग यूनिवर्सिटी आओ अच्छे से पढ़ो अच्छे से और कुछ भी दिक्कत नहीं होगी तुम लोग को। और कल ही हमारे आधे से ज्यादा बच्चे और मेरे बहुत सारे ग्रुपमेट्स एंड मेरे बहुत सारे दोस्त कील से घर जा रहे थे, और वहां पे बीच में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, उन लोगों को बीच में रोक दिया गया है, उन लोगों को बीच से ही भेजा गया है। उसके लिए अगर वो लोग इंडियन एम्बेसी को कॉल वगैरह ट्राई करें कि सर हम यहाँ पे स्टक हो गए हैं, हम लोग को आगे बताएं कि हम लोग कैसे क्या हम टर्नोपिल तक जाएं या फिर हमें आगे कहाँ जाना चाहिए, उन लोगों का इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, वो लोग कुछ भी आंसर नहीं कर रहे हैं। मेरा नाम हर्षिल, मैं VN Karajan का स्टूडेंट हूँ, यूक्रेन में खारकीव में पढ़ता हूँ। अभी यहाँ की कंडीशंस थोड़ी सी खराब हो गई है करके, क्योंकि दो दिन पहले तो फिर भी ठीक था, बस वो नॉर्मली पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा लग रहा था, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही ओवर हो गया, क्योंकि सुबह 5 बजे के लगभग शेलिंग स्टार्ट हो गई थी और हमको बहुत तेज़ तेज रॉकेट वगैरह उसकी आवाज़ भी आ रही थी, बॉम्ब ब्लास्ट हो गए थे और एक वीडियो भी फ्लैश हुई है, सब जगह खारकीव के आसपास की जगह पे शेलिंग स्टार्ट हुई, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ करके, तो पता नहीं अब क्या होगा। और मैं लौटी थी 20 तारीख को, हमारी फ्लाइट थी शाम की 7:30 की, और इंडिया लौटे थे हम लोग 8 बजे, दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर गए थे, तब तक हमारे क्यू में सब कुछ नॉर्मल था, और यूक्रेन में भी सब लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, मतलब रशियंस अटैक नहीं करेंगे, और हम सब भी टेंशन फ्री थी कि कुछ नहीं होगा,
लेकिन फिर भी पेरेंट्स के कहते ही टेंशन की वजह से हम लोगों ने फ्लाइट्स बुक करा ली और आ गए। और फिर दूसरे दिन जब हम यहाँ पे आए तो फिर हमें पता चला कि अब वहाँ पे अटैक हो चुका है और अब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दहशत का माहौल है वहाँ पे, और वहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें, कैसे कॉन्टैक्ट करें, और नेटवर्क इशू भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।